क्या कर रहे हो? अरे इलाही क्या कर रही हो? नहीं नहीं, तुम्हारे बाल ऐसे ही अच्छे लगते हैं खुले हुए, कभी बांधना मत देना। अच्छा जी, और क्यों? क्योंकि अगर ये बंद गए तो मेरा दिल किसमें बंधेगा? तुम ना बिल्कुल बुद्धू हो, और इस बुद्धू को तुम्हारे ये लंबे लंबे बाल और बुद्धू बना देते हैं। क्या हुआ? मैं सोच रही थी कि अपने बालों को कटवा लूं। क्या? हाँ, आजकल मॉडल्स, फिल्म स्टार्स, इन सबके तो बाल छोटे होते हैं ना, तो मैं खबरदार। अगर तुमने कभी बाल कटाने के बारे में सोचा भी, इलाही प्रॉमिस करो कि तुम अपने बाल कभी नहीं कटाओगी। प्रॉमिस, प्रॉमिस। ठीक है बाबा। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस, मैं अपने बाल कभी नहीं कटवाऊंगी। पता है, मेरी मम्मी जी को मेरे लंबे बाल बहुत पसंद है, और इनफैक्ट उनकी वजह से मेरे इतने लंबे बाल हुए। वो रोज मेरे बालों में तेल लगाया करती थी, और डैडी जी वो तो रोज कस कस के मेरे गुत्ते बनाया करते। इसलिए मेरे लंबे बाल मेरे मम्मी डैडी जी का कमाल। कुछ नहीं, बस वो मैं तो एक्चुअली चेक करने आया था कि तुम रेडी हुई हो या नहीं। याद है ना, आज ग्रेट इंडियन वॉइस के फाइनल्स के कपड़ों की सिलेक्शन के लिए जाना। हाँ। या जल्दी से तैयार हो। हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ। ये ड्रेस अच्छी तो लग रही है, तुम्हें कैसी लग रही है? Of course it's nice. इलाही आज तक ऐसी कोई चीज़ है जो तुम्हें पसंद हो और मुझे पसंद ना है? Costumes are really good. लेकिन तुम्हारे लुक्स का कुछ करना पड़ेगा। लुक्स? मतलब? Do it round, इलाही। और तुम दोनों को स्टेज पर एक दूसरे के साथ स्टनिंग लगना होगा, कॉम्प्लीमेंट करना होगा एक दूसरे को। आप कहना क्या चाहते? Have a look. ये दोनों साथ में कितने फैब लग रहे हैं। इनके कॉस्ट्यूम्स, इनका ड्रेसिंग, इनकी स्माइल, इनकी एनर्जी, दे आर रियली कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। और तुम दोनों को भी स्टेज पर इन दोनों की ही तरह लगना है। एंड इलाही, यस यू आर रियली वेरी प्रिटी, लेकिन तुम्हारे बाल, आई मीन अगर तुम अपना जरा सा हेयर कट कराओ, बाल ट्रिम करवा लो, तो ट्रस्ट मी इलाही, तुम्हारी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। No, मैं हेयर कट नहीं करवा सकती, मेरे बाल ऐसे ही ठीक हैं। इलाही, जस्ट लुक एट हिम, उसे देखो, ही इज वेरी स्टाइलिश। अगर तुम थोड़े से अगर अपने बाल ट्रिम करा लो, तो यकीन मानो तुम स्टेज पर आग लगा दोगी, आग, इवन तुम दोनों आग लगा दोगे यार। जॉन सागर, आई थिंक इलाही कंफर्टेबल नहीं है हेयर कट और कलर में, सो लेट इट बी, इट्स ओके। जॉर्डन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ग्रेट इंडियन वॉइस जैसे कॉम्पिटिशन में लोग सिर्फ सिंगर की आवाज सुनने नहीं आते, बल्कि सिंगर का पहरावा, उसके लुक्स, उसकी पर्सनैलिटी देखने आते हैं, उसकी प्रेजेंस देखने आते हैं यार। इलाही, आई थिंक सागर सही कह रहे हैं, नॉर्मल हेयर ट्रिम है यार, क्या ही हो जाएगा उससे, इट्स नॉट अ बिग डील। और देखो,
मैं अच्छे से जानता हूँ कि ग्रेट इंडियन वॉइस तुम्हारे लिए जीतना क्या मायने रखता है, राइट? और मैं नहीं चाहता कि जब हम स्टेज पे दोनों गा रहे हैं किसी भी तरह की कोई भी कमी हो यार। आई जस्ट डोंट वांट एनी डिस्ट्रैक्शन, तुम समझ रही हो ना? एन इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ, जिस इंडस्ट्री में हम जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत ग्लैमर दिखना तो बनता है ना यार। लेकिन जॉर्डन, मैं ट्रिम नहीं करवा सकती। इलाही प्रॉमिस करो कि तुम अपने बाल कभी नहीं कटाओगी, प्रॉमिस? ठीक है बाबा। इट्स ओके इलाही। सागर, आई थिंक इस प्लान को स्किप करते हैं। अगर हार भी गए कुछ वोट से तो मैं देख लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इलाही कोई भी ऐसी चीज करे जिससे वो अनकंफर्टेबल। इलाही को हर्ट करके मैं ग्रेट इंडियन वॉइस जीतने का सोच भी नहीं सकता। इलाही का कंसेंट, उसकी फीलिंग्स मेरे लिए ज्यादा मैटर करती है। कम ऑन इलाही, लेट्स गो। कम ऑन। एक मिनट। आप ज्यादा ट्रिम तो नहीं करोगे ना? टेक इट इजी, बिल्कुल नहीं। और ट्रस्ट मी, ये सब होने के बाद एंड यू विल लुक रैविशिंग। ईश्वरी लाए कूला, फिर कोई चक्कर ही नहीं। डोली, डोली मेरी बहन, हाय रब्बा, है क्या हो गया? जहान, जीजा जी, चलो मेरे नाल, मेरे घर चलो। मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं देख सकता। धर्मशाला में भी ना बंदा 10-15 दिन से ज्यादा रुकता नहीं है। आप लोगों ने तो हद ही कर दी, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। नहीं तो कुछ गलत थोड़ी ना कह रही। मामा पापा का? मामा पापा के बारे में पूछ रहे? तेरे मामा पापा भी यहाँ नहीं रहते। इट्स ओके मामा जी, मम्मा पापा का ख्याल रखने के लिए अब मैं हूँ। आपने इतने सालों तक हमारे लिए इतना कुछ किया, थैंक यू सो मच। पर अब और नहीं। मैम जस्ट रिलैक्स एंड ट्रस्ट मी। इट्स ओके लाइक, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, डोंट वरी। तुम दोनों मैम का मैनिक्योर पेडिक्योर करो, मैं हेयर्स करता हूँ। इलाही, आई एम गेटिंग अ अर्जेंट कॉल यार, मैं बस आया। हाँ प्लीज थोड़े थोड़े कट करना, ज्यादा नहीं। ज्यादा छोटे मत करना। प्लीज हैव अ लुक मैम, साइड हटो। मेरा प्यार ठुकरा के तुमने जहान के प्यार को छूना, कसम वादे खाई सब याद है मुझे। बस अब तुम देखती जाओ इलाज, तुम्हारी एक एक गलती का हिसाब कैसे लेता हूँ। मैम ये हेयर स्टाइल आप पे सूट कर रहा है। और आपको बार बार बोल रही थी ना कि ज्यादा मत काटना, तो फिर और आपने मेरे को शीशा भी नहीं देखने दिया। क्यों किया आपने ऐसा? पर इलाही, ये हेयर स्टाइल तुम पे बहुत सूट कर रहा है। जस्ट लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर। नहीं चाहिए मुझे ऐसा हेयर स्टाइल। इलाही, क्या हुआ? ये देखो मेरे सारे बाल। इलाही, ऐसे काटेगा बाल? हाँ तूने तो बोला ट्रिम करूंगा खाली। हाँ इतने सुंदर बाल बिचारी के काटती है, क्या किया, क्यों किया ऐसा? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। बोल। सर मैं तो बस वो चुप। I'm really sorry, ये सब मेरी वजह से हुआ। ना ही मैं बाहर जाता, ना ही मैं फोन पे बात करता, और ना ही ये सब होता यार। ये सब मेरी वजह से हुआ यार।
इलाही मुझे समझ नहीं आ रहा, रियली सॉरी यार। इलाही गुड जॉब, थैंक यू। Thank you.